मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा यूसीसी के नाम पर विपक्ष कर रहा है सियासत, मुस्लिमों का भ्रम दूर करेगी बीजेपी। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उनका भ्रम भी दूर होगा। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा सभी घोटाले बाजू पर होगा एक्शन, कार्रवाई के डर से छोटे छोटे कुनबे एक हुए। मेरी गारंटी है हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल से 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, एनीमिया उन्मूलन मिशन की भी आज करेंगे शुरुआत। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी, 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच होगा महामुकाबला, 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत करेगा मिशन वर्ल्ड कप का आगाज, 19 नवंबर को अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला। ये वही चमचमाती ट्रॉफी है जिस पर पूरे भारतीयों की जो है वो निगाहें। देश के 25 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में जोरदार बारिश, हिमाचल में भारी बारिश की वजह से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तबाह। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। दिल्ली लूट मामले में सभी 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, प्रगति मैदान टनल में कारोबारी से लूटे थे लाखों रुपए। पीएमएल के अध्यक्ष नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का रास्ता साफ, दुबई में परिवार के साथ मौजूद, सूत्रों के मुताबिक पाक पीएम और दूसरे मंत्रियों के साथ की कई बैठक। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।